नमस्कार दोस्तों, ग्रेन न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस ग्रेनो के चुनावी यात्रा में अभी हम मौजूद हैं कासना में, जेवर विधानसभा में, और आज भाजपा की जन विश्वास यात्रा भी अभी जेवर विधानसभा पहुंचने वाली है। उससे पहले कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। हमारे साथ कुछ भाजपा नेता उपलब्ध भी मौजूद हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राहुल पंडित जी। राहुल पंडित वर्तमान में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और पूर्व में अन्य भाजपा के आयामों में भी अहम दायित्वों पर रह चुके हैं। राहुल जी, कितना उत्साह है आप लोग को आज के जन विश्वास यात्रा को लेकर? आम जनता में उत्साह की लहर है और आप देख रहे होंगे हुजूम आला हुआ है। कार्यकर्ता और आम जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया हुआ है और इसीलिए हमारी यात्रा का जो नाम है वो जन विश्वास यात्रा इसका नाम रखा है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता में इतना अटूट विश्वास है पार्टी के प्रति। निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे दोबारा हमारी पार्टी 300 पार जारी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनिल जी, उत्साह कैसा है? उत्साह काफ़ी है, पूरे क्षेत्र में जो है काफ़ी जगह जगह पे प्रोग्राम लगे हुए हैं, जनमानस टूटा हुआ है अपने जनप्रतिनिधियों से बात करने के लिए और मिलने के लिए और उनके स्वागत के लिए। ये आम जनमानस है यहाँ पे, बहुत काफ़ी उत्साह है पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज में, पूरे यहाँ पे लोकल में सब उत्साहवर्धक लोग आए हुए हैं। आप लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बीच आखिरी सवाल एक और राहुल जी हम आपसे पूछ लेते हैं कि कितना क्या काम हुआ है जिसके आपके आधार पर जेवर की जनता दोबारा भाजपा को सत्ता में लाए और दोबारा जेवर से प्रतिनिधित्व करने के लिए भाजपा को मौका दे? सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी जेवर एयरपोर्ट का है। आप देख सकते होंगे देश एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर के अंदर बन रहा है, तो इससे बड़ी सौगात तो जेवर के लिए कुछ हो ही नहीं सकती ना। अकेला जेवर का एयरपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो निश्चित तौर पर ये एयरपोर्ट विश्व पटल पर अपना नाम लिखवा चुका है और जेवर, हम निश्चित तौर पर जेवर की जनता का विश्वास पार्टी के व्यक्ति और चार गुना हुआ है। धन्यवाद राहुल जी। अभी हम ग्रेनो की चुनावी यात्रा में हैं और अभी हम थे ग्रेटर नोएडा के कासना में थे हम लोग। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।